ये खबर वायरल हो रही है न्यूज़ पे जगह 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 कि जायरा वसीम ने फ्लाइट में ऐसा कुछ किया था, वैसा कुछ किया था, उनके साथ में कुछ पैरों रगड़ा था, पता नहीं। अभी तो मैंने मुझे तो नहीं मालूम कि ऐसा किया होगा। पहली बात तो मैं इंसान को बताना चाहूँगा कि इंसान के पास बुद्धि है, एक छोटी सी जनरल नॉलेज है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़्लाइट के अंदर, फ्लाइट में तो ऑफकोर्सली सब डिसेंट लोग जाते हैं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई किया होगा, सब सेंसिबल जाते हैं। अगर ऐसा उसने किया है तो फ्लाइट की सीट ऐसी रहती है, तो अगर उसको पैर घिसना है तो उसको पैर उठाकर, मतलब पैर उठा के ऐसा ऐसा करना होगा। अभी बुढ़ा आदमी वो तो जिमनास्टिक तो है नहीं जो पैर ऐसा ऐसा करेगा, और उसने भी बोला कि मेरे कमर पे किया, इधर किया, उधर किया, यानी कि उसको पूरा ठीक ऐसा करना होगा। और बड़ी बात, हमारे जो अक्षय साहब है उनको तो पूरा इंडिया सुपर हीरो मानते हैं, लेकिन मैं तो वैसे इंसान को हीरो नहीं मानता हूँ जो बिगड़ सोचे समझे कि किसी के बारे में कुछ भी बोल जाए। न्यूज़ में, मीडिया में देखे और अक्षय साहब ने बोल दिए, उस बेचारे इंसान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए, उसने ऐसा किया वैसा किया, गलत हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आपके पास आँख है, जब पूरी इंक्वायरी ना होता है, जब पूरी इंक्वायरी हो जाए, जब अपनी आंखों से आपने देखा है कि हाँ इसने किया है, ये किया वो, उसके बाद आप बोलना चाहिए किसी को भी हो। और इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठा कौन है? मीडिया है। मीडिया से बड़ा झूठा कोई है? तो ये कुछ भी बोलेंगे तो उनके खिलाफ, अभी जायरा वसीम के साथ में पूरा इंडिया खड़ा है और वो बेचारे के साथ में कोई नहीं खड़ा है, उसने कुछ किया ही नहीं, पता नहीं किया है नहीं किया हो तो नहीं मुझे मालूम, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब तक मैं अपनी आंखों से उस चीज़ को देखूंगा नहीं तो मैं कैसा किसी के बारे में बुरा बोल सकता हूँ। हाँ, उसने जायरा वसीम ने तो वीडियो डाला था, उसने उसका पैर ऐसा बाजू में था और ये ऐसा ऐसा रो रहे थे, पता नहीं क्या होता है अंदर, क्या है मालूम नहीं। अगर जायरा वसीम ने अगर इंस्टाग्राम के रो रो के डाल दिया और पुलिस भी जाके उनको पकड़ती है उस बंदे को, तो ये सबसे बड़ा पुलिस बेकार है। फिर ये भी क्राइम है किसी को जाके घर पे पकड़ना, जब आप उसकी इंक्वायरी करो कि वहाँ पे हुआ क्या। और दूसरी बात, वो हीरो जिसकी वो प्लेन है उसको पकड़ो, क्योंकि उसके अंदर कैमरा क्यों नहीं डाला। ये सब छोटी छोटी बातें बहुत ही इंसान को हानिकारक पहुँचाती है। और यहाँ पर किसी को कोई चीटी को मारने का हमको अधिकार नहीं दिया भैया। अगर दुनिया में अगर कानून बना है तो सबके लिए एक होना चाहिए, प्राणी पक्षी सबके लिए एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तो मुझे ये इंडिया में तो सिर्फ फीमेल के लिए कानून बना है, इंसान मर्द कुछ भी करे तो उनको सजा मिलती है, लेकिन फीमेल कुछ भी करे उनको तो माफ़ किया जाता है, लेकिन ये गलत है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इंडिया के लॉ पे मैं केस कर दूँ वर्ल्ड की अदालत में, लेकिन क्या करूँ, इंडिया का ना लोग सुधर रहे कुछ नहीं सुधर रहे, बस किसी ने बोल दिया हाँ उसने किया तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हकीकत क्या है। अरे पगले, ये आँख है ना तुझे देखने के लिए दिया है, पहले देख उसके बाद बोल। ऐसा नहीं कि उसने बोल दिया हाँ गलत है, ये गलत है सब। और इंडिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, और इंडिया आगे जब बढ़ रहा है तो जगह जगह कैमरा होना चाहिए, फ़्लाइट में कैमरा, इधर कैमरा, उधर कैमरा, सब जगह कैमरा होना चाहिए। फिर वो कैमरा बताएगा हमको क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि हमारी आँख वो कैमरा ही रहेगा। फिर झूठ मत बोलो, सच रहो, सच। सच का मतलब जानते हो, कुछ भी हो जाए, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, इस दुनिया का भगवान भी हो, कोई भी हो, लेकिन आप सच रहो, सच कि सच क्या है और झूठ क्या है। ऐसा नहीं कि वो लेडीज है रो रही है आंसू बहा दिया, आप उसके साथ में खड़े हो और आपको पता नहीं कि वो गलत है या क्या है। सच क्या है वो दोनों, सच, सच का मतलब जानते हो। और एसडी ट्रस्ट सरकार अभी आ रही है मार्केट में, मैं तो चाहता हूँ कि पूरी इंडिया मिलकर उसका पैर पड़ जाए और बोले कि राजनीति में आ जाओ एसडी ट्रस्ट सरकार, तो शायद ये सब नहीं होगा, तब कानून सबके लिए एक होगा। फिर रात को घरों में जब सोता है ना, मच्छर काटते हैं ना, उस मच्छर जो आप मारते हैं ना,
उस मारने को भी सजा मिलेगी फिर, क्योंकि मच्छर मारने का तुझे किसने अधिकार दिया भाई? अगर तुझे कट रही है तो कुछ लगाओ भाई, जिंदगी समझा करो, लाइफ कहाँ हो, किस दुनिया में हो, प्यार से जियो, समझ रहे हो? क्या है शरीर, क्या है, एक दिन जल जाएगा, कुछ नहीं है शरीर, जिंदा है, इसलिए हम एक दूसरे से बात करते, हाथ घुमाते, जो भी बात करते, हाथ मिलाते हैं।